देखिए, हमने 2017 में कंज्यूमर फोरम में SBI के खिलाफ एक केस दायर किया था। हमारे चेक को बिना किसी कारण के SBI ने डिसऑनर कर दिया, जिसके कारण हमारी CV ख़राब हुई और हमने जो फाइनेंस करा रखा था उसके जो फाइनेंस हमने जिस कंपनी से करा रखा था उसने भी हमें पेनलाइज किया और हम पे फाइनेंशियल पेनल्टी हम पे लगाई। हमने माननीय उपभोक्ता फोरम में SBI के खिलाफ केस किया, हमने सूचित भी किया SBI को, लेकिन SBI अपनी हठधर्मिता के कारण उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इसके कारण अभी ये निर्णय माननीय उपभोक्ता फोरम ने दिया है, उनको पेनल्टी किया है और कहा है कि नहीं, ये डेफिशिएंसी है, निश्चित तौर पे आपके कस्टमर के अकाउंट में पर्याप्त राशि थी, उसके बावजूद भी आपने उनका चेक ऑनर नहीं किया और इसके कारण हमारे कस्टमर पे एक भारी दबाव हुआ। अभी देखने में ये आ रहा है कि SBI जो एक बहुत पावरफुल संस्था हो गई है, एक बैंकिंग सेक्टर की सबसे पावरफुल संस्था हो गई है, तो उनके कर्मचारी एकदम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई जो हम लोग कर रहे हैं वही ठीक है, इसके कारण कई बार दिक्कतें आ रही हैं। तो हम खुश हैं, हमारे कस्टमर भी, हमारे जो इनके कंज्यूमर थे श्री मंगल सिंह, उन्होंने आके बोला कि भाई मेरे साथ ये समस्या हुई है, हमने फाइल किया और माननीय फोरम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और SBI को पेनल्टी इसमें लगाई है और आगे ऐसी घटना ना हो। इसके लिए भी SBI को ध्यान रखना चाहिए कि उसके कस्टमर्स उसकी पूंजी हैं और अननेसेसरीली एक बार नहीं है, और हमारे केस में विशेषता ये थी कि एक बार नहीं, दो दो बार हमारे चेक को बाउंस किया गया बिना किसी कारण के। और बाद में, और दुखद पहलू ये था कि बाद में SBI जो डिफेंस लेके आया वो ये लेके आया कि टेक्निकल एरर के कारण हमारा चेक बाउंस हो गया। तो यदि इतनी बड़ी संस्था में टेक्निकल एरर को बहाना बना के और जाने दी जाएंगी चीज़ें तो वो ठीक नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय रिस्पेक्टेड उपभोक्ता फोरम भोपाल का कि उन्होंने बड़ी एक्सपीडियसली हमारा केस को निपटाया, हमारे पक्ष में निर्णय दिया।